नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आप एयरटेल के यूज़र हो तो आप अपनी हेलो ट्यून कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों, कोई भी आपके फ़ोन पे फ़ोन करता होगा तो आपको उसको ट्रुन ट्रुन जैसी आवाज़ सुनाई देती होगी, लेकिन आप कोई गाना सेट करने जाते हो कि आपको जो भी फ़ोन करे उससे कोई गाना सुनाई दे, तो आप ये कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही बात करें। दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके विंक म्यूज़िक नाम से एक एप्लीकेशन आती है एयरटेल की, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर विंक म्यूज़िक सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको एक एप्लीकेशन आती है विंक म्यूज़िक के नाम से एयरटेल की, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इस एप्लीकेशन को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस एप्लीकेशन को ऐसे ओपन कर लेता हूँ। विंक म्यूज़िक के नाम से एक एप्लीकेशन आती है। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तभी ये एप्लीकेशन चलेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इस जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा और अपना एयरटेल का सिम का नंबर डालना होगा, तो ये एप्लीकेशन आपके चलने लगेगी। यहाँ पर आपको तरह तरह के गाने दिखाई देंगे, तो आप इसमें कोई भी गाना अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाला गाना सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो मैं इस गाने को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला गाना। तो इसमें आपको हेलो ट्यून का ऑप्शन मिलता है डाउनलोड के बगल में। यहाँ पे इस गाने में हेलो ट्यून अवेलेबल नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट बोल रहा है कि अगर इसमें हेलो ट्यून आएगी तो आपकी सेट हो जाएगी। मैं सब कुछ तुझे हार गई, मैं खुद ही खुद की नहीं रही। मैं सेलेक्ट करता हूँ, शायद इसमें कोई हेलो ट्यून है, इसमें हेलो ट्यून है, तो इसमें हेलो ट्यून सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर दिया, जैसे आपका इसकी हेलो ट्यून सेट हो जाएगी, वैसे आपको ये मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी हेलो ट्यून जो है वो सेट हो चुकी है। देखिए, मेरे पे मैसेज भी आ गया कि ये हेलो ट्यून आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। एयरटेल की तरफ से मैसेज आ गया कि आपसे कॉलर्स विल हेयर दिस सॉन्ग, तो ये गाना आपसे जो भी मेरे को फ़ोन करेगा वही वाला गाना सुनेगा। एयरटेल की तरफ से मैसेज जस्ट आ जाएगा, जैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा ये आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपसे ये आपकी हेलो ट्यून सेट हो चुकी है। तो आप ऐसी कोई भी गाना अपना लगा सकते हो। अब मैं दूसरा गाना अभी मैं ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैं दूसरा गाना सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कोई ये गाना कौन सा लगाऊं, ये वाला गाना ठीक है। हाँ, इस गाने को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस गाने को मैं अपनी हेलो ट्यून बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे मुझे इस गाने के, कि आप इस गाने का कौन सा पार्ट अपनी हेलो ट्यून में लगाना चाहते हो, कौन सा पार्ट अपने कॉलर्स को आप सुनाना चाहते हो। अब इसमें कई सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, 5-6 पार्ट्स। शायद मेरा नट स्लो है, देखूं अभी सेट होगी, रुक जाइए। हेलो ट्यून, फिर से हम ट्राई करते हैं, होगी हेलो ट्यून। हाँ, यहाँ पे हेलो ट्यून का ऑप्शन आ रहा है, मैं पहले वाली हेलो ट्यून लगाना चाहता हूँ। अभी एक्टिवेट हो रही है हेलो ट्यून, जैसे ही मैसेज आएगा, मैसेज आ गया, देखिए मेरी हेलो ट्यून भी सेट हो चुकी है। एयरटेल की तरफ से तुरंत मैसेज आ गया है कि आपकी जो हेलो ट्यून है वो सेट हो चुकी है। ये विंक म्यूजिक एप्लीकेशन से हो रहा है सब। दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप अपनी हेलो ट्यून कैसे सेट करें, तो आपके सिंपली सर्च बार जो ऑप्शन है विंक म्यूजिक में, उसके बगल में आपको हेलो ट्यून का आइकन मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको तरह तरह के हेलो ट्यून्स मिल जाएंगे। ये सारे हेलो ट्यून्स 33 सेकंड के, 40-40 सेकंड के हैं, सारे हेलो ट्यून्स ही हैं, गाने नहीं हैं। तो इनमें आप कोई भी हेलो ट्यून अपनी मन मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी कॉलर्स को सुनानी, कोई भी हेलो ट्यून आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली हेलो ट्यून अभी सेलेक्ट करता हूँ, जिसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, मेरे को ये वाला पार्ट अभी सुनाना है। तो जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूँगा, वैसे ही मेरे फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी जो हेलो ट्यून है वो सेलेक्ट हो चुकी है। आप कोई भी गाना अपनी मन मुताबिक लगा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भक्ति सॉन्ग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए